एंड सीरोजा, इन तीन लेयर को आपके लिए स्टूडेंट याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, कि कुछ सेल्स हैं जिनकी सिक्रीशन से गैस्ट्रिक ग्लैंड बनता है और उन तमाम की सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। म्यूकोसा लेयर कंटेन ग्लैंड विच कैन प्रोड्यूस गैस्ट्रिक हार्मोन विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास एक एसोफेगस आ रही है, उसके बाद ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये दो स्फिंक्टर है, कि ये लगा हुआ है जिसको आप नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और ये लगा हुआ है दूसरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हुआ है, इसको ड्यूडेनम का नाम देते हैं। चूंकि हार्ट भी लेफ्ट साइड पे मौजूद है और स्टमक भी लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो इस वजह से हार्ट का भी लेफ्ट साइड पे मौजूद होना, स्टमक का भी लेफ्ट साइड पे मौजूद होना, इस वजह से इसको नाम दे देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ चूंकि कनेक्टेड रहा होता है, इसको नाम दे देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये ड्यूडेनम के साथ जुड़ा हुआ है पाइलोरिक स्फिंक्टर, एसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ है कार्डियक स्फिंक्टर, इनकी तीन लेयर है म्यूकोसा ये इंटरनल, और दरमियान वाली सब म्यूकोसा, सबसे बाहर वाली इसको आप नाम देते हैं सिरोसा, और ये जो इंटरनल लेयर नजर आ रही है ब्लैक कलर की इनको नाम देते हैं रज्जी, और ये वाली जो बॉडी है जिसके अंदर केमिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन अक्कर होती है इसको नाम देते हैं फंडस का। नेक्स्ट जो है ना हम सेल्स की बात करते हैं, तो याद रखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट थ्री मेजर टाइप ऑफ अ सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन सेल सिक्रीट करता है, जिनमें पहले को नाम देते हैं गोबलेट सेल या म्यूकस सेल, ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। पैराइटल और एक्सेंट्रिक सेल ये HCL को सिक्रीट करता है। साइमोजेन और चीफ सेल ये पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। सिक्रीशन ऑफ दीज थ्री सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इज द म्यूकस? इट इज द थिक सिक्रीशन दैट कवर द इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल। हमारी जो स्टमक की लेयर है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, और ये इंटरनल लेयर प्रिवेंट होती है फ्रॉम द पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से। किस वजह से? म्यूकस की वजह से। म्यूसिन म्यूकस के अंदर एक प्रोटीन है जिसको नाम दिया जाता है म्यूसिन प्रोटीन। ये म्यूसिन प्रोटीन क्या सिक्रीट करती है? उस म्यूकस को स्लिपरी बनाती है और उसको जो है ना सिक्रीटिव बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ HCL। ये भी दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि हमारे मैदे के अंदर HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिटी कॉज करता है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तीन फंक्शन है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेंटेन द एसिडिक पीएच 2 to 3, और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। यहाँ पे कन्वर्जन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू पेप्टाइड चेन। और तीसरे नंबर पे पेप्सिनोजेन और पेप्सिन, ये दोनों जो है ना प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? डिफरेंस क्या होगा? तो आपने कहना है पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में तब होता है जब इसके ऊपर प्रोटीन का एक शॉर्ट फ्रैगमेंट लगा होता है। जब HCL इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये फ्रैगमेंट टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ पेप्सिन फॉर्म, और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन हाइड्रोलाइज द प्रोटीन इनटू अ पेप्टोन एज वेल एज पॉलीपेप्टोन। व्हाट इज द काइंड फॉर्मेशन फर्स्ट लास्ट पोजीशन लास्ट फंक्शन ऑफ स्टमक देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास मसल ऑफ द स्टमक वॉल विल थॉरली मेक्स अप फूड, यानी चर्निंग और मिक्सिंग का काम जो सब म्यूकोसल लेयर के अंदर हो रहा होता है विद गैस्ट्रिक जूस एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड मास दैट वुड बी कॉल्ड एज काइन। सो ये हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ स्टमक, कि स्टमक किस तरह से स्टोर करता है और काइन की फॉर्मेशन करता है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे कि व्हाट इज अ स्फिंक्टर, याद रखिएगा देयर इज अ मस्कुलर रिंग ऑफ द मसल, मस्कुलर रिंग होती है जिसको नाम देते हैं स्फिंक्टर का, जो वॉल्व्स और वॉल्व्स की तरह काम करते हैं। बट वॉल्व जो है ना बैक फ्लो ऑफ ब्लड के लिए होते हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए, यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए होते हैं। तो याद रखिएगा इन स्फिंक्टर के अंदर जैसे ही फूड एसोफेगस से एंटर होती है, ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये स्टमक के अंदर जितनी भी फूड जा रही थी उसको स्टॉप कर देते हैं। और जैसे ही पेरिस्टाल्सिस की वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है तो ये ओपन हो जाते हैं, इंटरनल जो है ना स्टमक के अंदर फूड चली जाती है, फिर आगे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा स्टमक वो पोर्शन है जिसके अंदर पार्शियली डाइजेशन फूड होती है और सेमी सॉलिड पार्ट बनता है जिसको आप नाम देते हैं काइन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट डाइजेशन इन स्टमक। थैंक यू सो मच।